हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड फन विद मस्करी। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसा आंवला का मुरब्बा। तो चलिए देखते हैं इसकी मेकिंग। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम आंवलों को प्रिक करेंगे, यानी कि उसे गोदेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवला लिया है, बड़े साइज का आंवला ले और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद हम इसे डिक्लर की सहायता से प्रिक करेंगे। अपने हाथ को बचा के इसे गोदना है, सही साइड से इसे अच्छी तरह से गोद लें। गोदने से यह होगा, जब हम इसे चीनी की चाशनी में डालेंगे तो चीनी का चाशनी अच्छी तरह से अंदर तक इसके जाएगा। आप चाहें तो कांटा चम्मच की सहायता से इसे गोद सकते हैं। सभी साइड से अच्छी तरह से इसे गोद लेना है। देख सकते हैं हमारा आंवला गोद के एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसी प्रकार आपने सभी आंवलों को गोद लेंगे और इसे गोदे हुए आंवलों को हमें पानी में रखना है ताकि ये काला न पड़े। इसी प्रकार अपने सभी आंवलों को हम गोद लेंगे। देख सकते हैं हमने सभी आंवलों को गोद लिया है। अब इसे 2-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद इसे उबालेंगे। देख सकते हैं हमने सभी आंवलों को 2-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और एक बड़े बर्तन में पानी को उबलने दिया है। उसमें डालेंगे 1 टुकड़ा फिटकरी का और अपने पानी को उबलने देंगे। फिटकरी डाल के उबलने से हमारे आंवलों का कसापन कम हो जाएगा। देख सकते हैं हमारे पानी में उबाल आ गया है और हमने जिसमें फिटकरी डाला था वो इसमें अच्छी तरह से घुल गया है। हम इसमें अपने गोदे हुए आंवलों को डालेंगे। और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। अपने आंवलों को 5 मिनट तक अच्छी तरह से पानी में पका लेंगे। पक जाने के बाद हम इसे पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसे चीनी की चाशनी में डुबो के पकाएंगे। देख सकते हैं हमने आंवलों को 5 मिनट तक उबाल लिया है। अपने गैस को ऑफ कर लेंगे और अपने सभी आंवलों को छान लेंगे। छान करके हमें इसे चाशनी में पकाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1/2 लीटर पानी को उबलने दिया है। इसमें डालेंगे चीनी लगभग 1 किलो, और चीनी को उबलने देंगे। जब हमारा चीनी पूरी तरह से पिघल जाएगा और चाशनी में उबाल आ जाएगा तो हम अपने आंवलों को, जिसे मैंने पानी से निकाल लिया है, इसको नीचे उड़ करके डालेंगे। देख सकते हैं हमारा चीनी पूरी तरह से घुल गया है और चाशनी में भी उबाल आने लगा है। तो अपने बॉयल किए हुए आंवलों को इस प्रकार से पानी को गाड़ लेना है और एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। आंवलों को इसी प्रकार गाड़ लेंगे, अपने चाशनी में डालते जाएंगे। इस प्रकार गाड़ते जाना है, इसे इसका पानी जो एक्स्ट्रा इसमें हो सब निकल जाए। देख सकते हैं हमने सभी आंवलों को इसमें गाड़ के डाल दिया है। फिटकरी डालने से हमारा चाशनी भी साफ होता जाएगा। पकाते रहना है हमें जब तक हमारा चाशनी एकदम गाढ़ा ना हो जाए। पकाने के लिए 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही। देख सकते हैं 20 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। आंवलों का कलर चेंज होने लगा है। उसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा रस गाढ़ा ना हो जाए। इस प्रकार से अपने घर पे आंवला का मुरब्बा बनाए, टेस्टी बनेगा और स्पंजी बनेगा और इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अपने देते हैं अगले आंवला को और जब तक हमारा रस गाढ़ा ना हो जाए। 20 मिनट तक हमने इसे और पका लिया है और हमारा आंवला का मुरब्बा तैयार है। तो गैस को हम ऑफ कर लेंगे। देख सकते हैं चाशनी में भी तार छोड़ने लगा है।
इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 20 मिनट तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी सर्विंग करेंगे। देख सकते हैं हमने अवला का मुरब्बा को हमने 20 मिनट तक ठंडा कर लिया है, कितना ठीक हो गया है इसका चाशनी। इस प्रकार से आपने घर पे अवला का मुरब्बा बनाए, सालों भर ये खराब नहीं होगा। करते हैं इसकी सर्विंग। देखिए कितना रसगुल्ला की तरह मुलायम हो गया है। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें अपने घर पे। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।